दोस्तों स्वागत है आपका गेमिंग गेयर्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटेल की 9 जनरेशन के बारे में। इंटेल ने अपने i5, i7 एंड i9 के प्रोसेसर उतार दिए हैं 9 जनरेशन के लिए, और उसको हम कंपेयर करेंगे उसकी पिछली जो जनरेशन है यानी 8th जनरेशन से। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं i5 के साथ। i5 9600K और i5 8600K यानी कि 8th जनरेशन और 9th जनरेशन में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है। दोनों में ही 6 कोर और 6 थ्रेड है, दोनों में ही हाइपर थ्रेडिंग ऑफ है, मतलब हाइपर थ्रेडिंग आपको नहीं मिलेगी दोनों प्रोसेसरों में। जो 9 जनरेशन की बेस फ्रिक्वेंसी है वो है 3.7 GHz और i5 की जो 8 जनरेशन है उसकी जो फ्रिक्वेंसी बेस थी वो है 3.6 GHz। जो उसकी टर्बो फ्रिक्वेंसी है वो है 4.6 9 जनरेशन की, 8 जनरेशन की है 4.3। कैश आपको दोनों में सेम मिलता है, स्मार्ट कैश 9 MB का। मैक्सिमम मेमोरी DDR4 दोनों में सेम है 64 GB। जो सॉकेट मिलते हैं आपको उसमें एक सॉकेट भर जाता है i5 में, आपको एक PGA1151 का और सॉकेट मिल जाता है एक्स्ट्रा, और दोनों में LGA115 सॉकेट सपोर्टेबल हैं। ऑप्टेन मेमोरी दोनों में सपोर्टेबल है, और जो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी है वो 14 नैनोमीटर की करी गई है। जी हाँ, इंटेल अभी तक अपने 10 नैनोमीटर के जो प्रोसेसर है वो मार्केट में नहीं लाया है, अभी भी वो 14 नैनोमीटर पे ही अटका हुआ है। और चिपसेट दोनों में ही 300 सीरीज के चिपसेट सपोर्ट करेंगे, मतलब जो मदरबोर्ड आपने 8 जनरेशन में लगा रखा है आप उसी मदरबोर्ड में 9 जनरेशन का प्रोसेसर लगा सकते हैं। तो दोस्तों i5 की 9 जनरेशन और i5 की 8 जनरेशन में ज़्यादा अंतर नहीं है। मुझे जो माइनूट सा अंतर लग रहा है वो बेस फ्रिक्वेंसी और टर्बो फ्रिक्वेंसी में लग रहा है, बाकी का डिट्टो प्रोसेसर है दोनों के दोनों। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं i7 के बारे में। i7 9700K वर्सेस i7 8700K, दोनों में जो कोर डिफरेंस है वो 4 का है, मतलब 4 थ्रेड आपको ज़्यादा मिलते हैं 8th जनरेशन में। 9th जनरेशन में 8 कोर 8 थ्रेड हैं जिसमें हाइपर थ्रेडिंग ऑफ है, और i7 8700 मतलब 8th जनरेशन में आपको 6 कोर एंड 12 थ्रेड मिलते हैं, 4 थ्रेड ज़्यादा मिल रहे हैं आपको 8th जनरेशन में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि i7 9th जनरेशन परफॉर्मेंस में कम है i7 8th जनरेशन से। जी हाँ, i7 9th जनरेशन स्लाइटली पावरफुली रहेगा i7 8th जनरेशन से, क्योंकि i7 की 9th जनरेशन ज़्यादा अच्छी तरह से ओवरक्लॉक हो सकती है 8th जनरेशन से। जो बेस फ्रिक्वेंसी है वो मिलेगी 3.6 GHz और 8th जनरेशन में थी 3.7 GHz। टर्बो फ्रिक्वेंसी मिलेगी 4.9 GHz 9th जनरेशन में और 8th जनरेशन में थी 4.7 GHz। कैश मेमोरी मिलेगी 12 MB जो दोनों में ही बराबर है। जो मैक्सिमम मेमोरी है 64 GB ऑफ DDR4 मेमोरी वो भी आपको बराबर मिलती है। सॉकेट सपोर्ट मिलता है LGA1151 का, दोनों में सेम। ऑप्टेन मेमोरी दोनों ही सपोर्ट करते हैं, और दोनों की जो टेक्नोलॉजी है वो 14 नैनोमीटर है। पता नहीं इंटेल कब अपने 10 नैनोमीटर के प्रोसेसर लाएगा, सब वेट कर रहे हैं उसका। चिपसेट है इंटेल का 300 सीरीज के चिपसेट, यानी कि आपको मदरबोर्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो मदरबोर्ड लगा है उसी में आप इस प्रोसेसर को अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं लास्ट प्रोसेसर i9 के बारे में, जो i9 9th जनरेशन उतारा है मार्केट में, i9 9900K प्रोसेसर के बारे में। कोर इसमें मिलते हैं आपको 8 और थ्रेड मिलते हैं आपको इसमें 16। हाइपर थ्रेडिंग ऑन रहती है इसके अंदर। बेस फ्रिक्वेंसी इसमें रहती है 3.6 GHz और टर्बो फ्रिक्वेंसी मिलती है 5 GHz की। कैश मेमोरी मिलती है 16 MB की, काफ़ी अच्छी कैश मेमोरी मिल रही है, और जो DDR4 मेमोरी है वो 64 GB सपोर्टेबल है। सॉकेट टाइप LGA1151 मिलता है, ऑप्टेन मेमोरी यस मिलता है, और जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो भी 14 नैनोमीटर की हुई है। चिपसेट 300 सीरीज़ का चिपसेट यूज़ कर सकते हो, और इंटेल ने ये भी कहा है कि उसका i9 प्रोसेसर जो 9th जनरेशन का है वो बेस्ट प्रोसेसर है फॉर गेमिंग, गेमिंग के लिए बेस्ट प्रोसेसर है, ये इंटेल ने बोला है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम इनकी प्राइसों की। तो अभी इंडियन मार्केट में कोई प्राइस इसका पता नहीं है कि इसका क्या प्राइस होगा, शायद से 1 वीक बाद इसके जो प्राइस है वो आ जाए। अब एक क्वेश्चन है वो आप उसका आंसर दीजिएगा, क्या आप 9th जनरेशन को अपग्रेड करेंगे? अगर किसी को अपना PC बनाना है क्या वो 9th जनरेशन ले या ना ले इन स्पेसिफिकेशन के ऊपर? और अगर कोई और क्वेरी है आपके दिमाग में, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। एंड ये थी मेरी आज की वीडियो, पसंद हो अगर आई आपको तो प्लीज़ लाइक करिए, वो सब्सक्राइब बटन को प्लीज़ दबाइए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।